हाय फ्रेंड्स, लेडी पिंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बैंगन की एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे और ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलिए देर नहीं करते, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को भून लेंगे, डायरेक्ट फ्लेम पे भूनेंगे और फिर उसके बाद उसके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा और फिर उसे फाइन चॉप्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने काट लिया है। और एक प्याज बारीक कटा हुआ रखेंगे, हरा मिर्च, लहसुन, अदरक को बारीक काट लेंगे। आप चाहें उसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। एक टमाटर लेंगे बड़े साइज का, या फिर दो टमाटर छोटे छोटे लेंगे, उसे भी काट लेंगे। और एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, कुकिंग ऑयल का यूज़ करना है, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। और इसमें जीरा से तड़का लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरा मिर्च डाल देंगे। मैंने इसको बारीक काट लिया है, कटा हुआ टेस्ट अच्छा आता है। और फिर इसमें प्याज डाल देंगे, उसे भी लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसमें नमक डाल देंगे, जितना हमें नमक चाहिए डाल देंगे। और फिर इसे मिक्स करेंगे और भूनते रहेंगे और 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। देखिए, गोल्डन कलर में हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है हमें, ऐसा ही ओनियन चाहिए। और फिर इसमें बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता और टमाटर भी डाल देंगे। और फिर इसे भी इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। फिर देखिए, यह भी कुक हो गया है, सॉफ्ट हो गया है एकदम, बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा ऐसे ही खड़े खड़े टुकड़े में रहना चाहिए। ये हो गया है जैसा हमें चाहिए वैसा हो गया है, बहुत बढ़िया से हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन। अब हम डालेंगे इसमें चुटकी भर अमचूर पाउडर। अब इसमें जाएगा गरम मसाला। अब धनिया का धनिया पाउडर है ये, जीरा पाउडर। और फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बस यही 4 चीज़ हम मसाले में प्रयोग कर रहे हैं। और हमने अमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाला है, जो कि आप पहले ही डाल दिया है, और कुछ नहीं डालना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ब्लेंड टेस्ट आता है। और फ्लेम को एकदम लो रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम मीडियम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको हल्की फ्लेम की ज़रूरत है, क्योंकि जो बैंगन है वो पहले से ही भुना हुआ था तो कुक हो गया है, और बाकी हमारे टमाटर और प्याज वगैरह भी कुक हो गया था पहले ही। इसे थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखिए, बहुत बढ़िया से कुक हो गया है, रेडी हो गया है लगभग। और ये बहुत बढ़िया इसका टेस्ट होता है, इसे लिट्टी के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे लेमन थोड़ा सा, इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है, एकदम फ्रेश टेस्ट आता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाऊंगी, ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है, फ्लेम को बंद कर देंगे तब नींबू डालना है, वैसे नहीं डालना है। देखिए, मैंने सर्व कर दिया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। ऑयल का भी मैंने बहुत कम यूज़ किया है, मसाले भी बहुत कम डाले हैं, जो कि बहुत अच्छी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ना कि कितना आसान है बैंगन का भरता एक नए तरीके से बनाना, और ये आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए इसे ट्राई करिए, बनाइए, खाइए और खिलाइए, लाइफ को इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।